हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली, करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो यार आज जो वीडियो देख रहा हूँ मैं, प्रबी बरगावा की वीडियोस हैं, रील्स वीडियोस हैं इनके, होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साड़ी वाली पहली वीडियो ये टोपी चेंज हो गई, ये तो शार के साथ होती थी ना, वही है ना। मैं टिकटॉक देखी थी एक दफा इनकी कपल वीडियो, हाय जीना के लिए। अच्छा जी, अच्छा नहीं लगता दूर होकर जीना। पर मेरी जान, मजबूर भी तो तुम ही ने किया था ना। ओए समझ गया मैं। एक कॉल के इंतजार में बैठे, किसी ने कहा था वक्त मिलेगा, बाल कितने लंबे हो गए, तो कॉल जरूर करेंगे। मैंने भी कल अपने दोस्त को कहा था यार, तुमने किसी कॉल कर तक नहीं की। शर्मा क्यों रहे हो, पसंद हूँ तो बोल दो। हाय जाऊंगी तुमसे मिलके। हाय उसने भी कह दिया। हाय जिन दोस्तों को बताए थे तेरे वफा के किस्से, तेरी कसम आज उनसे मिलने में भी शर्माती है। जिन पे उनकी नजर गई वो उनसे मतलब ही नहीं हूँ मैं, मगर दूर कर लिया है मैंने खुद को उन लोगों से। ये बहुत प्यारी लग रही है ना, जिन्हें कदर नहीं थी। बड़ी दिन बाद देखे हैं, बाल देखो चलो बस फोन। आप प्यार करो या गुस्सा करो, जो भी करो पर मेरे ध्यान करो। आए कितना प्यार करते हो मुझसे, बहुत ज्यादा। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्या कुछ नहीं। कोई दर्द हो कोई मेरे हो ना को। खुश करने आए थे, कितने सैड हो गए तुम। क्रीपी टॉक्सिक पजेसिव कितने बैड हो गए तुम। ये ना पहनो वो ना करो, यहाँ वहाँ जाना नहीं, आशिकी करने आए थे मेरे डैड हो गए तुम। यार इसमें स्पेशल कितने प्यारे है ना। आज के बाद इसने दूसरी लड़की को देखा ना तो ये अंधा हो जाए, और किसी और लड़की को छेड़े तो ये अपाहिज हो जाए। अगर इसके हाथ सब कुछ इसको ही कराओ बेचारे, कहीं जा ना पाए तो भी चलेगा, मैं इसका ध्यान अच्छे से रख। बहुत कोशिश की मैंने उसे समझाने, बहुत कोशिश की मैंने उसे समझाने की, फिर एक रोज फिर मैंने खुद को समझा लिया। थोड़ी बात करें कभी रिश्ता, हम क्योंकि एक ही तरह की वॉइस है। वो बात अलग है, किस्मत में हमारा साथ नहीं लिखा। सही किस्मत में। अच्छा सॉरी, मोहब्बत गई तेले में, बाहर थल्ले काली कार। अब औकात दिखाने की बारी है। एक ख्वाहिश थी कि जिंदगी तेरे साथ गुजरे काका, और अब बस एक ही ख्वाहिश है कि तू कभी जिंदगी में ना मिले। उनके बिगड़े नसीब रहते हैं और उनसे दूर रहना ही ठीक है, जो हर किसी के करीब रहते हैं। बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो दिल तोड़े बहुत। बंदा इश्क के पीछे क्यों भागता है? आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। ओए होए नेचुरल। अच्छा ट्रांजिशन दे दो। ओए 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 बॉम तो भाई करीब आकर बिछड़े हैं हम। बिल्कुल दिसंबर और जनवरी की तरह। तुम्हें देखो ना, जनवरी चल रहा है यार, ये क्या हो गया, दिसंबर तो गुजर गया। फिर शुरू शादियों का मौसम, फिर किसी और का प्यार कोई और ले जाएगा। ये भी सही है। कुछ तो खोया होगा उसने भी मेरी तरह, नहीं पाना था। मैंने चाहत खो दी तो उसने इसका स्टाइल क्या रहा उसके अंदर एटीट्यूड है ना एक, वो अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई, इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। बदल दी देखी मैंने, बदल दा वेखे खुश हो जा मेरी जान।
वाओ तू तो तू कलर तेरा शहर भी छोड़ दिया तो ये क्या सिलसिले हो गए अभी इधर को जा रही है ट्रैफिक सारी दोस्त उसी के बनो जो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बने क्योंकि जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता ये किसी का मस्त है इसका खेल अच्छा लगा पहला प्यार नखरे दिखाया ना करो मेरे पास तो सिर्फ यादें हैं तुम्हारी जिंदगी उसे मुबारक जिसके पास तुम हो मैं अगर कहूं तुम सा हसी कहता हर समय चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है तुम्हें कुछ अच्छा भी लगता है मैंने कहा कि गाने में घमंड तो हो गई घर का सबसे जिद्दी लड़का मेरी बात जो सुनता है सफर जो भी हो अब हम सफर तुम ही हो बचा सुन लड़ाई अपनी जगह बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं ना और फिक्र अपनी जगह जिसको मिला वो उसकी हथेली देखनी है मुझे जी कैसी होती है वो लकीर जो मेरे हाथों में नहीं आए ये बात बड़ी करी शुरुआत में जो जय भाई इतना इतराते हो इतने नखरे दिखाते हो माना बात है तुम्हें पर मेरी जान प्यार करते हैं तुमसे इतना भाव क्यों खाते हो सही ये दुनिया है जनाब यहाँ पर जिसकी कदर करो वो समय नहीं देता और जिसे समय दो वो कदर नहीं करता रुके ना रुके चाहते हो यार परेशानियां तो है लेकिन अब समझ गए कि जीना कैसे है सही आ जाता मेरी जान अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए ना तो भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत इज्जत नहीं देती इश्क तेरा कभी कोई स्टैंडर्ड होगा जरूरत नहीं हर एक चीज की इज्जत देने की मुझे दर्द नहीं होता चलो बात को क्या ही आगे बढ़ाना नहीं होता तो नहीं होता यस रिश्तों को हमेशा समय देना क्योंकि रिश्तों में दरार दूरियों से नहीं समय न देने से आती है यस हमेशा कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना मेरा मानना काश तू चांद और मैं सितारा होता आसमान में आशियाना हमारा होता लोग तुम्हें दूर से देखते लेकिन पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता एक डबल शेड है इसके बारे में नजर लगा देती है दुनिया हंसते हुए चेहरों को वो थोड़ा सा मैं पता कल का उठाऊं फिर कल 12 बजे का मैंने सारे ही उसे दे दिया उसकी याद आज भी आती है बुरी आदत है कहाँ ही जाती है रुके ना रुके ना ना।
ख्वाहिश मेरी इतनी सी है, कुछ ऐसा मेरा नसीब हो, वक्त चाहे जो भी हो, बस तू मेरे करीब हो। मुझे प्यार है तुमसे, हाँ। बड़ी बातें करी, मैं सुन रहा हूँ। उसे शक था कि मुझे शक है उसपे, मुझे शक था कि मेरा हक है उसपे, उसे जाना था, मुझे रोना था, और यही होना था, क्योंकि उसे पता था मेरा दिल किस हद तक है उसपे। यार जिसने भी ये डायलॉग, यही है शायद, क्योंकि एक ही वॉइस आ रही है, तो बड़े एक्यूरेट बोल रहे हैं। सफर है सुहाना, बोलने का स्टाइल जो है ना, और आप दिल से निकले नहीं, निकाले गए हो, तो यहाँ दोबारा मुड़कर वापस ना आना। टाटा, यहाँ कल क्या, मैं जिंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ खामोश रहना कुछ साबित करने से ज्यादा बेहतर है। कभी जो बादल बरसे, और मैं खामोश ही रह जाता। कल दिवाली थी, लोग एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे थे, और मैं तो भाई मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जाने मेरी ये, वो मैं सुनो, वक्त मिले तो सोचना जरूर कि मैंने तुमसे वक्त के अलावा मांगा ही क्या था। बताओ, अगर वो पीजी हो मेरे पास, देने नहीं जाए फिर मेरे साथ है तू। ये दूरियां तो नाम की हैं, मेरे दिल में आबाद है तू। सही, तू बात समझा कर मेरी, सुन तो सारी दुनिया भी लेती है। क्या बात है यार, ओए ओए लुक, रोए नहीं रुलाए गए हैं यार, बनकर पसंद ठुकराए गए हैं। ब्रेकअप से ज्यादा हर्ट करता है उस इंसान का बदल जाना जिसने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया। कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी खत्म कर दोगे ये रिश्ता। मिले तो ऐसे थे जैसे सदियों तक साथ निभाओगे। देखो तुम्हें ना कदर की बहुत थी तेरी, तूने इज्जत करी नहीं। अब जो चली जाऊंगी मैं, याद रखना चाह कर भी मिलूंगी नहीं। सौदा है दिल का ये एटीट्यूड जो है ना इनकी, एक चाल में, एक लहजे में, लड़कर कहां ही जाऊंगी। तूने मनाया तो ठीक, नहीं तो मैं मनाऊंगी। मुस्कुराने जबरदस्त यार, अच्छी वीडियो थी है ना। एक वो उसका बोलने का स्टाइल, और एक ना वो जो उसका एटीट्यूड है ना, वो मुझे अच्छा लगा है। वो एक ना अलग ही ना एटीट्यूड हो के भी एटीट्यूड रहना ना, वो बड़ी बात है। और प्यारी वीडियो थी यार, अच्छी लग रही थी, ड्रेसिंग भी अच्छी लग रही थी उनकी, और प्यारी हौसला उनको भी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट बता दीजिएगा, नई वीडियो के बारे में मुझे लास्ट में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।